एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के अभी 7:30 बजे और फिलहाल अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं अभी तक आप लोग के कमेंट्स पढ़ रही थी और लास्ट ब्लॉग में बहुत अच्छे कमेंट्स आए। सबने बोला कि अपनी केयर करो, होता है ये सब कुछ। मतलब सबने, मतलब सब मेरे साथ जो है वो कनेक्ट कर पाए। बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने समझा और असल के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स थे, बहुत अच्छा लगा। बाकी कुछ लोग कुछ क्वेश्चंस भी है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी थोड़ी देर बाद। सारा अभी तो कहाँ बताऊंगी, थोड़ी देर में बताऊंगी क्योंकि अभी मुझे विहान को तैयार करना है, विहान का लंच बनाना है। 7:30 हो चुके हैं, 8:30 से पहले बस जाती है विहान की, तो उसके लिए मुझे फटाफट से भी काम करना पड़ेगा। तो आपसे बात करें थोड़ी देर में। और ये मक्खियाँ सारी मेरे मुँह के पास आके पता नहीं क्या नाच रही है, सब सबको सारा हो जाए। तो फटाफट से पहले मैं विहान का लंच ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बना देती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे और बताती हूँ आपको कि कुछ लोगों की कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे मेरे लास्ट ब्लॉग को देख करके, तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले फटाफट से काम है ना, करती मेरे हूँ। भाई साहब के बाल काटे पिछले कल, इधर छोटे छोटे कर दिए। कल कल मैं नाई बनी थी और विवान के भी काटे। आपको मैंने एक चीज़ दिखा दी, उनको ये देखो मक्खियाँ। बाकी मौसम की बात करूँ तो मौसम कुछ ऐसा बना हुआ है, मतलब धूप है अभी, ऐसे ही रहता है सुबह में कि बादला सा और बाद में इतनी तकड़ी धूप लगी है। तो ये अब बाकी चलते हैं अभी फटाफट से अंदर किचन की तरफ और बनाते हैं लंच। अभी खान का लंच तैयार करते हैं और ब्रेकफास्ट देते हैं उसको और इसके बाद करते हैं सब कुछ काम। तो फटाफट से कर लेते हैं। फिलहाल टाइम हो गया है 8:20 का, 8:20 हो रहे और 8:25 पे बस निकलेगी। तो पहले मैंने विहान को तैयार किया, उसके बाद जाके मैंने लंच बनाया, क्योंकि पहले तैयार करने से क्या होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे आप फटाफट से कुछ लंच वगैरह बना सकते हो, तो इसलिए। तो अभी हो गया है काम, अब चलते हैं शॉप की तरफ को, शॉप खोलते हैं और मिलते हैं आपसे सीधे शॉप पर। तो फिलहाल ऊपर पहुँच चुके हैं और 2 मिनट में भाई साहब का सब कुछ हाल ख़राब है। और सबसे बड़ी बात, लास्ट मोमेंट पे विहान का जो है बेल्ट नहीं मिला। मतलब एक ऐसी होता है, मैंने उठाया था पर कहाँ उठाया मैं भूल गई हूँ और मुझे नहीं मिला, तो नहीं मिला। बाकी तो फिलहाल मैं काफ़ी पहले शॉप पे आ गई थी और विहान जो है स्कूल जा चुका है और विहान बाहर है लोगों के साथ, क्योंकि शॉप पे सुबह बाहर लोग होते हैं, तो वहाँ चला गया। और साथ ही साथ जो है मेरा शैम्पू कंडीशनर सब, मतलब जो हेयर मास्क है वो सब ख़त्म हो चुका है। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ से शैम्पू और ये जाने के अलावा। मेरा स्मूथनिंग वाला जो मेरा शैम्पू है वो ख़त्म हो गया और जो यहाँ पे वो कंडीशनर है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो मैं ढूंढ रही हूँ कंडीशनर, कहीं होता है ना इधर उधर डब्बे में डाल दिया तो दो कंडीशनर मिल गया ट्रेस लेके। बाकी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है इस बार, दूसरा ऑर्डर किया क्योंकि 6 महीने हो गए मेरे को स्मूथनिंग करके, तो इस बार मैंने दूसरे वाले शैम्पू और वो मतलब ऑर्डर किया। मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सर्च किया क्योंकि मेरे बाल भी झड़ रहे हैं कई चीज़ें, तो उसको देख के उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ ऑर्डर किया है। बाकी दिखाते हैं और मिलते हैं घर पे। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और अब मेरे को बर्तन धोने को, इधर धोए हुए बर्तन तो नहीं धोए बर्तन, तो अभी बर्तन तो इधर आ गए। तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, बर्तन धोती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ, अब विवान को भी तैयार करती हूँ। तो आज हमें जाना है हॉस्पिटल पीओ, विवान को लेकर के, और मम्मी ने भी जाना है। तो अभी चलेंगे हम थोड़ी देर में, पहले फटाफट से काम कर लेते हैं, फिर नहाते धोते फिर निकलते हैं। पर्ची बना दिया है, हमारे रिलेटिव थे वहाँ पे तो उन्होंने बना दिया है। तो अभी जाते हैं, मतलब जाते क्या, ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, मिलती हूँ आपसे सीधे तैयार होने के बाद। हॉस्पिटल का रश, और अभी हम हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में बहुत रश है, डॉक्टर नहीं है अभी, डॉक्टर नहीं है और हम वेट कर रहे डॉक्टर का। तो भाइयों भाइयों वहाँ देखो नहीं, क्या हुआ, बोर हो गए? फिलहाल हमें हॉस्पिटल में बहुत टाइम लगा, अब लंच टाइम भी होने वाला है, बट अभी विहान को एक मतलब जो डिलीवरी से पहले लगता है ना
पेट साफ करने के लिए वो वाली चीज़ लगने वाली, क्योंकि विहान के पूरे पेट में बॉटी बच चुकी है और बहुत ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि उसको बॉटी हाथ से निकालना पड़ता है, हमारे को इतनी भी दिक्कत हो रही है। तो अभी देखते हैं उसका पेट वगैरह साफ़ करेंगे, उसके लिए मम्मी गए प्राइवेट में और प्राइवेट से लाएंगे दवाइयाँ वगैरह, फिर जाके होगा उसका जो भी होगा, तो देखते क्या रहता है बाकी। ओ विहान, विहान भाई साहब है वहाँ पर, और गर्मी का कोई हिसाब नहीं, हवा भी चली और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, तो देखते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी विहान तो है मज़े में, मम्मी गए दवाई लाने के लिए और हॉस्पिटल के नज़ारे ऐसे, हॉस्पिटल तो कोई भी नहीं आना चाहिए वैसे भी कभी भी, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हॉस्पिटल बाकी चलो क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर ऊपर को तो ऐसा लग रहा है बहुत ठंडा शांति हुई, अपना घर ही अच्छा अच्छा जो मर्जी बोलो, यहाँ पीओ में भी गर्मी है पर हमारे घर में तो फिर हवा चलती बहुत अच्छा मौसम होता है। बाकी देखते क्या करते हैं, दो मिनट बाज़ार भी निकलेंगे, विहान को भी लेंगे स्कूल से और उसके बाद फिर चलेंगे घर की तरफ। भाई टाइम की बात करूँ तो शाम के 4:30 बज रहे और फिलहाल घर पहुँच चुके, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं फिर मिलते हैं, क्योंकि ना हॉस्पिटल में जाने के बाद ना पूरा हाथ पाँव से चपचप सा हो गया, बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज करते और मिलते हैं थोड़ी देर में घर आके। सच में बहुत राहत मिली है, मतलब राहत की सांस ली है हमने। अभी हम आए शॉप पे और क्योंकि दीपक गए दूध निकालने के लिए, आज पापा नहीं है, गांव में फंक्शन है तो पापा गए हैं वहाँ पे, और इसलिए हम मतलब कि विहान है इधर साइड में, तो हम आए शॉप पे कि वहाँ से आगे कुछ शूट करने का टाइम नहीं लग पाया जब दिन को हम बाहर थे धूप में, क्योंकि इसका रीज़न ये था मतलब वहाँ से आगे एक तो बिजी भी थे प्लस अंदर एक्सीडेंट केस आ गया था, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ऐसे एक्सीडेंट केस देखा, पूरा खून खून से लथपथ थे वो, तो पहली बार देखा अपनी पूरी लाइफ में, पहले फर्स्ट टाइम देखा मैंने, मेरे को बहुत अजीब सा लगा वो देख करके। बाकी चलते हैं घर पर और आप एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। मैं फटाफट मैंने व्लॉग इसलिए वो किया कि नीचे जाके बताती हूँ, क्योंकि ना सामने से लोग आ रहे थे तो फिर इसलिए। और हाँ पिछले दिन सुबह जब कमेंट रीड करी थी तो मैंने आपको बोला था कि कुछ कमेंट आया था, तो मैं भी दोबारा रीड करने गई तो उन्होंने डिलीट कर दिया, क्यों किया था मुझे नहीं पता। तो उन्होंने ये पूछा था कि आपकी गोल्ड ज्वेलरी कहाँ है, जो मैंने बोला कि सुनार के पास बनवाने दी है, तो आपको बता देती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं डिलीट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं बता रही थी मतलब उस टाइम भी मैंने शायद मे भी कमेंट किया हो या फिर पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं है, बट आप इतना पता है कि उन्होंने कमेंट किया था, तो मैंने कुछ सोने का चीज़ बनवाने दिया, वो कुछ दिन में बनने वाला है, मैं ऐसे दिखाऊंगी नहीं क्योंकि फिर बाद में लोग बोलते शो ऑफ करते हैं, तो इसलिए जब मैं लास्ट टाइम रिंग और ईयरिंग दिखाए थे तो उस टाइम पर लोगों ने कहीं कमेंट्स किए थे कि सोना तेरे पास ही हमारे पास भी होता है, वो सोते से ज़्यादा भी होता है, तो काफ़ी सारे लोग ये मिलने से बातें थी, तो इस बार मैं दिखाऊंगी नहीं, बस ऐसे कि हाँ जब लेने जाऊँगी तो अब ऐसी बातें अब ब्लॉग बना रही हूँ तो दिखाऊंगी ऐसे, मतलब कि ले रही हूँ, बाकी ले रही हूँ मतलब कि ऐसे नहीं मैं सोना ले रही हूँ, टूट गया था तो उसके बदला मैं दूसरा बनवा रही हूँ, वो कुछ और नहीं मंगोस्तर है मेरा, तो वो मैं दूसरा बना रही हूँ क्योंकि डिज़ाइन चेंज कर रही हूँ, मुझे इतना मज़ा नहीं आया इसमें, तो अभी मेरे को जो डिज़ाइन चाहिए था वो मैं उसी दिन बताऊँगी, अब चलो छोड़ दो इस बात को, बस अभी कमेंट आके डिलीट हो गया तो अब मेरी गलती नहीं, ये तो शाम में शूट करी, कमेंट सुबह आया था जब मैं सुबह पढ़ा था, तो ये है बाकी ये देखते हैं क्या रहता है। अभी मुझे जाके चिकन भी बनाना है, आज चिकन लाए तो चिकन बनाऊँगी और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। शाम का व्यू कुछ इस तरीके से, वो यार है दूध लेने के लिए दोस्तों। तो इसी के साथ अपने आज के व्लॉग की एंडिंग यहीं करती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कोशिश की है जो बहुत सारा प्यार करते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, उनके लिए आज व्लॉग बनाने की और कंप्लीट भी करने की, आज 10 तारीख है और 10 तारीख को व्लॉग अपलोड भी कर दूंगी डाल के। तो अभी टाइम की बात करूँ तो अभी 7:30 हो रहे, 7:29 हो रहे, तो अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया, तो अब मैं सोचा पहले व्लॉग एंड कर लेते हैं उसके बाद फिर खाना बनाते हैं आराम से, और आप लोगों को आज का व्लॉग आज ही मिलेगा। और भाई कुछ नहीं है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाय।